इसमें आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, और तीन डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं उस पर, जो हमारी पहली आत्मा, मन, फिर उसके बाद हमारी चेतन अनुभूति, और उसके बाद जो लास्ट में हमारी जे बी वॉटसन जी की थी, व्यवहारवाद, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आज भी आधुनिक युग में वही डेफिनेशन चल रही है। अब इसके बाद मनोविज्ञान का अर्थ समझने के बाद शिक्षा का अर्थ क्या है, इसको समझना जरूरी है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ क्या है, देखिए एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारे पुराने ज़माने यानी कि प्राचीन काल से अब तक चली आ रही है। पहले क्या होता था, आपने गुरुकुल देखे होंगे, गुरुकुल में जैसे अब कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं बड़ी बड़ी, पहले गुरुकुल हुआ करते थे गाँवों में, वहाँ पर शिक्षार्थी जो था यानी कि बच्चा जो था अपने गुरु के घर पर ही आश्रम में रहते थे एक साथ ही, और वहाँ पर फीस नहीं ली जाती थी, वहाँ पर गुरु के द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती थी शिक्षार्थियों को, वहाँ पर फीस नहीं ली जाती थी, वहाँ पे उसके बदले में जो शिक्षार्थी होते थे, बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, गुरुकुल का काम कर देते थे, और जो उनके गुरु कोई भी उस चीज़ उनको बोलते थे वो कार्य उनका समाप्त कर देते थे। तो इसीलिए जो पुराने ज़माने से जैसे गुरुकुल था, फिर धीरे धीरे स्कूल आ गए, और आपने मदरसे वगैरह सुने होंगे, ये चीज़ें आ गई, आजकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्कूल्स हो गए, तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो चेंज होता गया है, लेकिन शिक्षा का अर्थ चेंज नहीं हुआ है कि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो लोगों के बीच यानी कि स्टूडेंट प्लस टीचर, इन दोनों के बीच की गई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ज्ञानी होता है और एक अज्ञानी होता है, ठीक है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जिसके अंतर्गत एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के द्वारा जो एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित प्रक्रिया की जाती है ज्ञान के बदलाव के लिए यानी कि विचारों के आदान प्रदान के लिए, वो हमारी शिक्षा है। शिक्षा का स्वरूप चेंज हो गया कि पहले मदरसे गुरुकुल वगैरह में शिक्षा दी जाती थी तो उसमें कोई फीस चार्जेस नहीं होते थे, आप वहाँ पे गुरुकुल में अपने गुरु के घर रह सकते थे और वहाँ पे कोई भी उनका काम करके उसका चुकान कर सकते थे, उनका मतलब कोई भी अपने को गुरु बोलते हैं कि बैलों को चराना है, गायों को चराने ले जाना है, या फिर आपके घरों के छोटे मोटे काम करने हैं, बाजार जाना है, इस तरह की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें क्या थे, टीचर्स करवा लेते थे स्टूडेंट्स के से, जिससे उनको फीस भी नहीं देनी पड़ती थी और वो उनकी ही घर पे विश्राम भी करते थे, वहीं पर रहते थे जब तक बच्चे की नॉलेज यानी कि ये जो एजुकेशन का सिस्टम था वो पूर्ण रूप से बच्चे को प्राप्त ना हो जाए। अब धीरे धीरे आते आते उसका स्वरूप कैसे बदल गया कि स्कूल कॉलेजेस आ गए, बच्चा अब अपने घर रहता है, वो फीस देता है, टाइम लेता है और अपने जो भी उसको पढ़ना है वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस वगैरह में जाता है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो ये प्रक्रिया है वो सेम है। आज भी स्टूडेंट और टीचर के बीच ही शिक्षा का स्वरूप है, मतलब शिक्षा दी जाती है, ऐसा नहीं है कि टीचर प्लस टीचर अपने मतलब टीचर टीचर कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत टाइप की होती है, ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट वे में कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कई बार होता है आप इनडायरेक्ट वे में भी कोई ना कोई चीज़ सीखते ही रहते हैं। देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चा कोई ना कोई एजुकेशन प्राप्त करता ही रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से ही कोई शिक्षा प्राप्त करे। बच्चे का जो पहला स्कूल बताया गया है वो उसका घर बताया गया है। अब बच्चे का पहला स्कूल घर क्यों बताया गया है, छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है तो वो सबसे पहले घर में ही होता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को देखना शुरू करता है, अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करता है, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तो उसके अंदर क्या है, वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, पिता को देखता है, दादा नानी पापा चाचा मामी घर के जो भी सदस्य हैं उनको देखता है,
और उन्हीं के द्वारा अनुकरण के माध्यम से यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल के द्वारा वो चीज़ें क्या है ऑब्जर्व करता है और सीखता है, तो उसकी वो भी तो शिक्षा ही है, वो भी तो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। बेसिकली वो डायरेक्ट वे में शिक्षा नहीं कर रहा है, वो स्कूल कॉलेजेस का टैग लगा के कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन जो बच्चे का पहला मतलब शिक्षा का माध्यम होता है स्कूल होता है, घर से द्वारा ही बच्चे को पहली शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल में जब बच्चे को डाला जाता है, जो उसका प्राइमरी स्कूल होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारा प्राइमरी सेशंस के स्कूल होते हैं उसके अंदर जो टीचर होती है वो मदर टीचर होती है। मदर टीचर से हमारा क्या मतलब है? मदर टीचर से हमारा मतलब है कि जो हमारी शिक्षिका होती है वो हमें एज अ मदर ट्रीट करती है, क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे आसपास जो सदस्य रहते हैं, जो जिनके द्वारा हम कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अनुकरण के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे घर के माध्यम से पहले होती है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में बच्चा स्कूल में जाने लगता है प्राइमरी क्लासेस में, तो उसको एक टीचर दी जाती है जो आपके फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक सेम होती है। आपने देखा होगा 8, 6, 7, 10, 11, 12 में आपके टीचर्स चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी डेवलप्ड हो जाती है कि आपके लिए टीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपको उनके टूवर्ड्स अट्रैक्शन या फिर उनके लिए फ्रेंड होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपको एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है वहाँ पे, कि आपको कोई भी टीचर आए पढ़ाए अच्छे से समझाए, आपको समझ आ रहा है, आप ग्रहण कर रहे हैं, आप जिस पर्पस के लिए वहाँ पर आए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स आपके सेट हैं उनको रिसीव कर रहे हैं, तो मतलब आपकी एजुकेशन प्रॉपरली हो गई। लेकिन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होती है, एक ही टीचर आपकी जो पहली क्लास से बच्चे के साथ होती है वही आपकी दूसरी क्लास में पास होने के साथ तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास में आपके साथ ही जाती है। ये नहीं कि आज मेरी फर्स्ट क्लास में आशा मैम टीचर है, मैं क्लास में पास होकर सेकंड क्लास में चली गई तो मेरी पूनम मैम टीचर हो गई। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बच्चा जितना कंफर्टेबल आशा मैम के साथ है उतना कंफर्टेबल पूनम मैम के साथ नहीं होगा, इसीलिए उसको मदर टीचर कहा जाता है। क्योंकि मदर टीचर के साथ बच्चा अपने इमोशंस फीलिंग भाव के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो घर पर अपनी माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वही टीचर उसकी फर्स्ट से फिफ्थ तक जाती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के द्वारा उसके बिहेवियर को सबसे अच्छे तरीके से जान सकती है। अगर मैं पहली क्लास में किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ और मैंने अपनी शिक्षा के दौरान जो बच्चे को एजुकेशन दी है उसको समझाया है, उसके दौरान बच्चे का बिहेवियर जज किया और ये पता लगाया कि बच्चा स्लो लर्नर है, मीडियम है या बहुत एक्स्ट्रा अचीवर्स है या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा मतलब क्रिएटिविटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा हैं, तो ये चीज़ें मुझे पता है। अगर बच्चा सेकंड क्लास में पास होने के बाद जाता है तो दूसरी टीचर को जो उसके साथ आएगी उनको भी दोबारा से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो साल भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चा तब इतना सक्षम नहीं होता है खुद की खुद अपनी अचीवमेंट्स या अपनी क्रिएटिविटी बता सके। इस प्राइमरी लेवल में बच्चे जो हमारी टीचर होती है मदर टीचर, उसी को ही ये पता लगाना पड़ता है साइकोलॉजी के माध्यम से, मनोविज्ञान के द्वारा, कि बच्चे में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, किनको आगे सपोर्ट करना है ताकि वो अच्छा उसके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो, और क्या चीज़ें उसको नेग्लेक्ट करवानी है ताकि उसके फ्यूचर के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो। तो इसीलिए मदर टीचर उसके साथ फर्स्ट टू फिफ्थ रहती है ताकि उसको अच्छे से जो उसके लिए एक केस स्टडी की गई है उसके लिए वो प्रॉपर ढंग से पांचवी तक चल सके। और उसके बाद सिक्स सेवन्थ में बच्चे की जो मानसिक क्रियाएं हैं, मेंटली एबिलिटी है, वो इतनी डेवलप हो जाती है कि बच्चा अपने जो इंटरेस्ट हैं, जो जिस भी तरह की चीज़ें वो करना चाहता है, जो क्रिएटिविटी उसमें है, वो बच्चा अपने द्वारा खुद बता सकता है कि मैम मुझे ये चीज़ नहीं करनी। किसी को क्रिकेट पसंद है, आप उसको वॉलीबॉल खिलाएंगे तो वो बता देगा ना कि मैम मुझे वॉलीबॉल नहीं खेलना, मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसीलिए जो हमारी पहली शिक्षा प्राप्त होती है वो घर से होती है,
और शिक्षा का जो माध्यम है, जो एजुकेशन है हमारी, वो मनोविज्ञान से बहुत रूप से जुड़ी हुई है। देखिए, अगर आप बच्चे को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देंगे? शिक्षा दे ही नहीं सकते आप। उसकी एजुकेशन जो प्रॉपर है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, वो बच्चे की नींव होती है। अगर बच्चे की एजुकेशन की नींव ही सही नहीं रखी गई तो इमारत क्या बनेगी? इमारत तो ढह जाएगी बाद में चल के, क्योंकि नींव ही नहीं रखी गई। तो इसीलिए बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसमें ऑल ओवर बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है मनोविज्ञान के थ्रू, ताकि बच्चे का आगे चल के किसी भी रूप में विकास किया जा सके, ताकि वो अपना जो हमारा समाज है, जो सोशल लाइफ है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसके अंदर अपना समायोजन कर सके, एडजस्टमेंट कर सके। मतलब बच्चे को इस तरह से ढाला जा सकता है टीचर के माध्यम से, जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड करा के, कि वो अपना व्यवसाय तो चुने ही चुने, व्यवसायिक के साथ साथ वो अपना समाज में समायोजन कर सके। समायोजन से हमारा मतलब है कि सोशल लाइफ उसकी ऐसी हो कि वो एडजस्ट करके चले। ये नहीं कि मुझे ये चीज़ पसंद है तो मुझे ये ही करनी है। आपकी जो सोशल लाइफ है वो उस चीज़ को क्या पता वैलिड नहीं मानती हो। अब जैसे आपको पता है, जो डिसेंट बच्चे होते हैं या जिनको हमारा समाज एक्सेप्ट करता है प्रॉपरली, वो कैसे बच्चे होते हैं? वो ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छा होता है, जो बोल चाल के माध्यम से अच्छे होते हैं, जो किसी के साथ बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा होता है, और आगे चल के अपना कोई भी व्यवसाय चुनते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी वो अच्छा करते हैं। वो उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता समाज में जिन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो समाप्त करने के बाद, जो अपनी हायर एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो भी प्रॉपर ढंग से नहीं की होती, उसमें फेल हो जाते हैं, या फिर वो अपना कोई व्यवसाय नहीं चुनते, थोड़े गलत रास्तों पर निकल जाते हैं, कोई गलत हरकतें जो उसमें चीज़ें हैं वो लेने लगते हैं, गेन करने लगते हैं, जैसे कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, ये सारी चीज़ें खाने लगते हैं, या किसी से कोई मिसबिहेव करते हैं, उनका बोलचाल का ढंग अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षा के द्वारा समझाते हैं बच्चों को। जो हमारी शिक्षा है वो यही है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक ऐसी सुव्यवस्थित क्रियाएं रखी जाती हैं जिसके माध्यम से बच्चे को उसका समाज के साथ साथ उसका व्यवसाय चुनने में हेल्पफुल हो और उसके समायोजन करने के लिए उसके लिए यूजफुल हो। ठीक है, अब इसके अंदर ही मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ। जो हमारी पहले की एजुकेशन थी, जो हमारी टीचर और स्टूडेंट की एजुकेशन थी, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि गुरुकुल में और मदरसों में जब टीचिंग हुआ करती थी, वहाँ पे क्या थी, वहाँ पर टीचर सेंटर प्लस नॉलेज सेंटर एजुकेशन थी। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट्स है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछा जाता है कि अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है या नॉलेज सेंटर्ड है। जो पहले की एजुकेशन थी, यानी कि प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, वो हमारी क्या थी, टीचर प्लस नॉलेज सेंटर। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर शिक्षकों को, गुरुओं को केवल इतना ही करना होता था कि उन्हें जिस प्रकार का ज्ञान बच्चे को देना है वो दे देते थे। उससे बच्चे के बारे में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता था, कोई उनको जानने की जिज्ञासा नहीं रहती थी कि आखिर बच्चा क्या चाहता है, बच्चे क्या क्या इंटरेस्ट है, बच्चा उस ज्ञान को प्राप्त करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो इस तरह की चीज़ें क्या थी, रखी जाती थी। तो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा थी वो केवल ज्ञान से संबंधित थी, कि स्टूडेंट टीचर के बीच जो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है वो केवल नॉलेज बेस्ड होगा, यानी कि ज्ञान प्रदान करा दिया जाएगा, उसके अंदर बच्चे की इंटरेस्ट, वैल्यूज, नॉलेज और इस तरह की चीज़ें क्या थी, नहीं रखी जाएंगी। ओके, अब इसी के बाद क्या है, क्रो एंड क्रो, जो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, क्रो एंड क्रो,
इनके माध्यम से एक डेफिनेशन दी गई थी जो इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये डेफिनेशन आ जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया। मैं आपको वो डेफिनेशन बता देती हूँ। शिक्षा व्यक्तिकरण व समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, उन्नति तथा समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। इसमें दो की पॉइंट्स आए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला, व्यक्तित्व उन्नति, यानी कि अगर वो ऐसी एजुकेशन प्राप्त कर रहा है जो उसकी आगे चल के फ्यूचर में उसके लिए यूजफुल है, तो उससे वो अपना व्यक्तित्व उन्नति कर सकता है। कैसे? उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, वो अपना ज्ञान बढ़ा सकता है, नॉलेज इंक्रीज कर सकता है। अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो वो लाइफ में सेटल हो जाएगा, अच्छा घर होगा, अच्छी वाइफ होगी और जो आगे की लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए क्या है, पहली चीज़ हमें रखी गई है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उन्नति होना कंपलसरी है। और समाजीकरण, यानी कि समाज के अंदर जहाँ पे आप रह रहे हो उसी के द्वारा आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी है जिसमें वहाँ पे आपको एडजस्ट करने में यूजफुल हो। अब आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी कि आपने टेंथ कर ली, ट्वेल्थ कर ली, कॉलेज कर लिया, फिर क्या था, ड्रग माफिया बन गए। आपको समाज में कौन अपनाएगा? कोई भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि आपने अपनी जो आज तक की जो स्टडीज़ है उसका मिसयूज़ कर दिया। ड्रग माफिया बन के आपने क्या किया, समाज को हार्मफुल चीज़ें नहीं पसंद, उनको ऐसी चीज़ें पसंद है जो आपको ये सोशल लाइफ में हेल्प करे, जो आपको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखे, या आपको समझने के लिए, या आप किसी के लिए सहायक बने, इस तरह की चीज़ें। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई थी वो व्यक्तित्व उन्नति व समाजीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया बताई गई थी जो समाज उपयोगिता को बढ़ावा दे सके। एक और चीज, शिक्षा, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो केवल एक माध्यम है, वो एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करने का जिसके अंदर वो व्यक्तित्वकरण और समाजीकरण की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को पूर्ण कर सके। शिक्षा के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ओनली, लेकिन ज्ञान जो आपको प्राप्त करना है वो तो टीचर स्टूडेंट के बीच की प्रक्रिया के माध्यम से ही करना है ना। लेकिन शिक्षा आपको एक अनुकूल ऐसा वातावरण प्रोवाइड कराती है जिसके माध्यम में, जिसमें कोई रुकावट नहीं आती। बच्चे अपने स्कूल कॉलेजेस जाते हुए देखा होगा, अगर आपको शिक्षा ही प्राप्त करनी है आप स्कूल क्यों जाते हो, कॉलेज क्यों जाते हो? बुक्स ही तो है, बुक्स आप जाइए शॉप पे खरीदिए और आप उनको घर पे पढ़कर भी क्या है, शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो ना। लेकिन उसको वैलिड क्यों नहीं बताया? क्योंकि घर के अंदर हमें एक अनुकूल ऐसा वातावरण नहीं मिलता है, एक ऐसा टैग नहीं मिलता है जिसको आगे चल के फ्यूचर में आप बता सके। आपको टेंथ करनी है, आप घर पे बैठ के बुक्स पढ़ लो, आपको ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है, एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको वो टैग नहीं मिलेगा कि आप टेंथ पास हो, ट्वेल्थ पास हो। जब आप कल को इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो वहाँ पर क्या डिग्रियाँ मांगते हैं जो आपने किसी कॉलेज स्कूल के थ्रू की हो, जो एक ऐसे अनुकूल वातावरण के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई गई हो जिसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो, जिसका कुछ मान्यता प्राप्त हो आपको। वरना अगर नॉलेज ही लेनी है तो आप कंप्यूटर्स और घर पे अपने भाई बहनों बड़ों से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन वो सारी नॉलेज जो हमारी है वो सारी इनडायरेक्ट वे में आती है। वो सारी किस में आती है, इनडायरेक्ट वे में। उससे आप कोई चीज़ सीख तो सकते हैं, जैसे हम घर में और फैमिलीज के टूवर्ड्स रहकर कोई ना कोई डेली कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हैं। आज मम्मी ने आपको कोई चीज़ नहीं बताई तो वो आपने सीख ली, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हो गया, आपकी माइंडली एबिलिटी स्टेबल हो गई। लेकिन जो क्या है, अगर उसको एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इनडायरेक्ट वे में है, डायरेक्ट वे में नहीं है। तो इसीलिए जो शिक्षा है वो हमें एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करवाती है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास क्या होता है, सर्वांगीण विकास मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट। शिक्षा के माध्यम से जो हमें एक अनुकूल वातावरण तैयार करवाया जाता है उसका कहने का मतलब ये है, उसको समझने का मतलब ये है
कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, केवल मानसिक हमें जो मेंटली उसको डेवलप नहीं करना है, उसको फिजिकली मेंटली सोशली या मोरल उसके वैल्यूज डेवलप करने हैं, यानी कि बच्चे को इतना स्टेबल कर देना है कि उसकी जो सारी एबिलिटीज होती हैं जो उसके सर्वांगीण विकास के अंदर ऑल ओवर डेवलपमेंट के अंदर आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशंस डेवलपमेंट, मेंटल एबिलिटीज और आपकी जो सोशल एबिलिटीज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं बच्चे के अंदर, वो सारी चीज़ें डेवलप करनी है जिससे वो समाज में अपना समाज उपयोगिता के द्वारा समाजीकरण कर सके। आपने कई बार देखा होगा बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उनकी उम्र तो होती है 10 साल, लेकिन उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो 5वीं क्लास की कक्षा के क्वेश्चनों को समझ सके, बातों को समझ सके, तथ्यों को समझ सके। तो क्या बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो हो गया, एज भी उसकी बढ़ गई, हाइट भी बढ़ गई, लेकिन उसकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। यानी कि एक डेवलपमेंट आपने अचीव कर लिया, उसका सेकेंड डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए शिक्षा ऐसे प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट की जा सके। बच्चे की जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो अपनी उम्र के साथ साथ, उम्र के अनुसार चीज़ों को समझ सके, बता सके, तथ्यों को अचीव कर सके और उसको आगे अपने समाज में रहते हुए अपने जीवन के लिए, व्यवसाय के लिए उपयोगी बना सके। और इसी के साथ साथ उसमें मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है स्कूल में बच्चे को भेज दिया कि उसने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, एमए कर ली, उसने अच्छी नौकरी ले ली, लेकिन उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट्स वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं आया। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिकता। आप समाज में रहते हुए जब नैतिकता दिखाते हैं तो उसके अंदर आपके चीज़ें ऐसी भी आनी चाहिए, आपकी मानसिक एबिलिटी इतनी डेवलप होनी चाहिए कि अगर आप दो लोगों के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो ये नहीं अपना अपना फटाफट किया, ख़त्म किया, समाप्त किया, मेरा काम तो हो गया, बात ख़त्म। नहीं, वहाँ पे हमारी मॉरल वैल्यूज़ नहीं दिखती हैं। अगर आप किसी के द्वारा काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको साथ लेकर चलते हुए काम करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर समाज में, आपकी सोसाइटी में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है और 10 लोग आपके लिए कोई, मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल है, 10 लोग काम कर रहे हैं, कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई स्टिकर्स लगा रहा है, कोई रंगोली बना रहा है, और आप आए अपने काम से फटाफट अपना जाके रूम में चले गए, तो वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, आपकी नैतिकता नहीं है। वहाँ पे आपको भी, अगर आप उस समाज में रहते हैं, उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में रहते हुए उस समाज के साथ एक ऐसा टाई अप बांध के रखना है कि वहाँ पे आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ दिखा सके, कि आप उनकी हेल्प करें, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें, वुमेंस की रिस्पेक्ट करें, उनके राइट्स को समझे। इन ये सारी चीज़ें क्या हैं, एजुकेशन के अंदर आती है, जो हमारे सर्वांगीण विकास के अंदर रखी गई हैं कि बच्चे को शिक्षा तो देनी है, लेकिन ऐसी शिक्षा देनी है जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जिसके अंदर बच्चे का केवल एक एबिलिटी पर फोकस नहीं करना कि स्कूल के अंदर जाके बस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कर दो, ये चीज़ नहीं रखनी कि बच्चे को बस ज्ञान प्राप्त करा दो, बाकी बात ख़त्म, हमें नहीं पता बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चा फिजिकल रूप से कमज़ोर है नहीं कर रहा। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं हुआ या बाकी चीज़ें ही डेवलप नहीं हुई, तो वो क्या है, आपकी एजुकेशन पर भी इफ़ेक्ट करेंगी। सीधी सी बात है, अगर मैं मानसिक रूप से, या मैं बीमार हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया और मैं कक्षा में बैठी हूँ, कुछ चीज़ समझ रही हूँ, तो वो मेरे दिमाग के ऊपर से जाएगी, क्योंकि मैं अभी फिजिकली इतनी फिट नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को अचीव कर सकूँ, सुन सकूँ, समझ सकूँ। तो वो क्या है, मेंटल डेवलपमेंट करना नहीं है, आपको फिजिकली भी बच्चों पे ध्यान रहना है कि वो इतने स्टेबल हैं कि वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे और उसको गेन कर पाएंगे, और लाइफ में क्या है, आगे चल के उसको अच्छे से रख पाएंगे, जिससे अपना समाजीकरण करते हुए अपना व्यवसाय चुन सके और समाज के साथ समाजीकरण स्थापित कर सके।